हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहाँ के लोग मुक्का मारना सबसे अधिक पसंद करते हैं। एक ऐसा देश जहाँ शादी करने के लिए एक अनोखे प्रकार का रीति रिवाज का पालन किया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही देश के बारे में तमाम रोचक तथ्य बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। उस देश का नाम है यूक्रेन। दोस्तों, यूरोप का एक जन्नत देश है यूक्रेन, जो लगभग 17,818 वर्ग मील में फैला बेहद ही खूबसूरत और पर्यटक को अपनी ओर खींचने वाला देश है। दोस्तों, जिसकी जनसंख्या 4.5 करोड़ के आसपास है, जो अपने आप में एक बेहद ही अनोखी पहचान रखती है। यहाँ के लोग अपने काम के प्रति सबसे अधिक सतर्क और जिम्मेदार होते हैं। तावा, दोस्तों, जो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक का प्रमुख केंद्र है, और इस शहर की स्थापना 1600 साल पहले की गई थी, जो यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता है और जहां पर 2.8 मिलियन लोग निवास करते हैं। दोस्तों, मेडिकल की बात की जाए तो यूक्रेन दुनिया में एक विशिष्ट पहचान रखता है मेडिकल के क्षेत्र में। दोस्तों, मेडिकल की पढ़ाई के मामले में यूक्रेन भारत, अमेरिका और ब्रिटेन से भी ज़्यादा सस्ता है। दोस्तों, यहाँ पर 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में आप कोई भी बड़ी से बड़ी MBBS या उससे ऊंची डिग्री की पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि अपने आप में शिक्षा के स्तर में सबसे अच्छा देश माना जाता है। दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के में सबसे ज़्यादा शराब पीने वालों की सूची में यूक्रेन छठा स्थान रखता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रति व्यक्ति 14 लीटर से भी ज़्यादा शराब एक वर्ष में पी जाते हैं। पूरी दुनिया में लोग शादी के वक्त बाएं हाथ में वेडिंग रिंग पहनना पसंद करते हैं, लेकिन यूक्रेन में उल्टा है। दोस्तों, यहाँ के लोग दाएं हाथ में वेडिंग रिंग पहनाने का एक अनोखा रीति रिवाज माना जाता है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत है। दोस्तों, 1922 में सोवियत संघ का सदस्य बना था यूक्रेन, और जो 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद यह 22 देशों में टूट गया, और दोस्तों जिसके कारण 24 अगस्त 1922 को सोवियत संघ से ब्रिटेन को आज़ादी मिली। दोस्तों, ब्रिटेन की लगभग 78% हिस्से में वहीं के लोग निवास करते हैं, और 22% हिस्सों में दूसरे देशों से आए हुए प्रवासी लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ही शांत और एकदम शालीन स्वभाव के होते हैं, जो किसी भी प्रकार से किसी भी अन्य देश के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं रखते। वह अपने सभी मानवता का एक उत्तम उदाहरण देते हैं। दोस्तों, यदि यूक्रेन के लोगों को सबसे अधिक पढ़े लिखे लोगों के रूप में माना जाता है, इसीलिए यहाँ की शिक्षा प्रणाली सबसे अधिक सुंदर और सबसे सरल और सस्ती है। दोस्तों, यहाँ पर 99% लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो दुनिया के 4th नंबर पर अपना एक अनोखा पहचान रखते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा विशिष्ट पहचान रखने वाले व्यक्तियों में यूक्रेन के व्यक्ति सबसे ज़्यादा शामिल हैं। दोस्तों, कीवी सिटी में मैकडोनाल्ड दुनिया के सबसे ज़्यादा व्यस्तम रेस्टोरेंट में से एक है, और दोस्तों यहाँ के लोग सबसे अधिक ज़्यादा जंक फूड खाना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ के लोग अपने काम के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, जिसके कारण उनको ज़रा भी समय नहीं होता खुद के द्वारा खाना पकाकर खाना, जिसके कारण वे लोग जंक फूड और डिलीवरी वाले फूड ही ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं, जो कि अपने आप में एक अद्भुत है। वैसे तो दोस्तों, यूक्रेन के लोगों को फुटबॉल या का लोकप्रिय खेल है, क्योंकि दोस्तों वहाँ के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, फुटबॉल के साथ साथ उनको मुक्केबाजी भी खेलना बहुत ही बड़े शौकीन माने जाते हैं, और मुक्केबाजी के तौर पर यहाँ पर विश्व हैवीवेट पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि दुनिया के सबसे अनोखे और उच्चतम पुरस्कारों में से एक है। दोस्तों, यदि यूक्रेन के कानून की बात की जाए तो इस देश में आपको पोर्नोग्राफी देखना अवैध माना जाता है, और दोस्तों वहाँ के चिकित्सक उद्देश्यों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को पोर्नोग्राफी देखना गैरकानूनी है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूक्रेनवासी बहुत ही कम मुस्कुराते हैं। वहाँ के मूल निवासी शायद ही कभी सार्वजनिक स्थानों पर मुस्कुराते होंगे, दोस्तों, जो कि अपने आप में एक सबसे अजीब बात लगती है। दोस्तों, विश्व का सबसे गहराई वाला मेट्रो स्टेशन यूक्रेन में मौजूद है, जिसे एस्ट्रेनेला मेट्रो स्टेशन कहा जाता है। दोस्तों, यूक्रेन का लिविव शहर दुनिया में सबसे अधिक कॉफ़ी शॉप स्थित है।
दोस्तों यहाँ आपको कॉफ़ी विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की कॉफ़ी पीने को मिल सकती है। दोस्तों यदि यहाँ पर प्रति व्यक्ति के मुकाबले कॉफ़ी शॉप बांटे जाए तो 1500 से अधिक कॉफ़ी शॉप इस एक अकेले देश में मौजूद है। दोस्तों यूक्रेन की महिलाएं और पुरुषों में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक अंतर रखती है। यहाँ पर 10 साल का अंतर होता है महिला पुरुष के जीवन और मृत्यु में। दोस्तों यह अंतर शराब पीने के कारण आता है। अजीब देश और अजीब शौक। दोस्तों यूक्रेन की सरकार द्वारा इस देश में कर्मचारियों को वेतन का 20% हिस्सा शुल्क के रूप में जमा कर लिया जाता है। हालांकि बाद में सेवानिवृत्त होने के बाद उनको यह वापस भी कर दिया जाता है, जो कि अपने आप में सबसे अच्छी बात लगती है। दोस्तों ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग हैरान कर देने वाले तमाम रोचक तथ्य जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हर्षिल यूनिक चैनल को। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।